अस्सलामुअलैकुम क्लास एट लेसन नंबर हम सेकंड स्टार्ट कर चुके हैं केमिकल रिएक्शंस। आपके पास जो आज का टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशंस पेज नंबर 41 पे ही आपको गिवन है। स्टूडेंट्स आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हाउ टू बैलेंस अ इक्वेशन। पेज नंबर 41 में एक एग्जांपल दी हुई है CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन एरो CO2 प्लस H2O। ये आपके पास जो है प्रोडक्ट है, ये आपके पास रिएक्टेंट है। हमें पता है कि इक्वेशंस रिएक्शन से पहले जो होता है वो हमारा रिएक्टेंट कहलाता है, रिएक्शन के बाद वाला जो होता है हमारे पास प्रोडक्ट कहलाता है। तो आज हम इसमें इसको बैलेंस करने का तरीका सीखेंगे। हम अगर देखें रिएक्टेंट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर इसको हम इसके नंबर्स ऑफ एटम यहाँ पे काउंट करें तो हम देखें कि कार्बन हमारे पास यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन हमारे पास 4 दिया हुआ है, जबकि ऑक्सीजन हमारे पास 2 है। इसके इसी तरह से हम प्रोडक्ट की तरफ अगर आएँ तो प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बन 1 गिवन है, हाइड्रोजन को देखा जाए तो वो आपके पास 2 है और ऑक्सीजन आपके पास जो है यहाँ पे 3 है। 3 किस तरह से स्टूडेंट्स, 2 आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड इसके पास है और 1 आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल जो हमारे पास है इसके पास जो है। तो ये 2 + 1 हमारे पास प्लस होगा, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम जो ऑक्सीजन के है वो है आपके पास 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं रिएक्टेंट से पहले नंबर ऑफ एटम जो है यहाँ पे हमारे पास कितने हैं और रिएक्टेंट के बाद जो है हमारे पास प्रोडक्ट में जो है वो नंबर्स ऑफ एटम कितने हैं इस कंपाउंड्स या जो दिए हुए हैं हमें। यहाँ पर हमने देखा कार्बन दोनों तरफ हमारे पास बैलेंस है, यानी कि यहाँ पर भी 1 है और प्रोडक्ट में भी हमारे पास 1 है। जब अगर हम हाइड्रोजन की तरफ देखें तो हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 4 दिया हुआ है, जबकि प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोजन ओनली 2 यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ हमें जो है ज़रूरत है बैलेंस करने की, क्योंकि यहाँ इक्वेशन आपकी बैलेंस नहीं है। बैलेंस में आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के जो है रेशियो जो है बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2, अगर यहाँ 4 है तो प्रोडक्ट में भी आपके पास 4 होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पर भी 8 है, यानी कि नंबर्स आपके जो है बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, नंबर्स ऑफ एटम्स आपके दोनों साइड पे बैलेंस होंगे तब आपका इक्वेशन बैलेंस होगा। अब हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 4 दिए हुए जबकि यहाँ पे 2 है, तो हमें कहाँ बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें जो है प्रोडक्ट में बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 जो है मज़ीद हमें जो है एटम्स नंबर्स ऑफ एटम रिक्वायर्ड है। तो हम इसको किस तरह से बढ़ाएंगे, अब देखिए हमारे पास हमेशा स्टूडेंट एक बात याद करें, आपको जो है फर्स्ट लेक्चर में बताया कि आपके पास जो है किसी भी जो है कंपाउंड में अगर कोफिशियंट और इसमें सब्सक्रिप्ट क्या होता है, तो नीचे वाला नंबर जो ये वाला नंबर होता है ये हमारे पास सब्सक्रिप्ट होता है, और उसके साथ वाला जो नंबर होगा बराबर में जो नंबर ऑफ एटम होंगे, ठीक है, वो आपके पास जो है कोफिशियंट्स कहलाता है। तो हमेशा कोफिशियंट पे आपने नंबर बढ़ाने हैं, यहाँ पे आपने कभी भी नहीं बढ़ाना है। तो हमने देखा हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर हम कोफिशियंट की तरफ चलेंगे और यहाँ पे अपने मज़ीद कितने हमें नीड है, कितने रिक्वायर्ड है, हमें 2 की रिक्वायर्ड है, तो हमने यहाँ पर 2 को बढ़ा दिया। जब आपने यहाँ 2 बढ़ाया तो आपके पास यहाँ पर कितने हो गए, 2 मल्टीप्लाई कोफिशियंट और जो सब्सक्रिप्ट होता है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, इस एलिमेंट के साथ पहले जो सब्सक्रिप्ट आपके पास दिया था और हमने अभी कोफिशिएंट इसके नंबर्स ऑफ एटम जब बढ़ाए तो ये दोनों आपके पास मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका जो है नंबर ये सब्सक्रिप्ट दिया हुआ था, ठीक है, इसमें हमने कोफिशिएंट 2 ऐड किए तो 2 × 2 = 4, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे आपके पास कितने हो गए 4, यानी कि 4 यहाँ पर भी हो गए, यहाँ पे भी 4 हो गए, यानी कि हमारे पास कार्बन भी बैलेंस हो गया आपके पास और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट है वो आपके पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अगर मैं यहाँ देखूँ तो ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास 2 है, जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पर जो है बैलेंस करने से पहले हाइड्रोजन को मेरे पास यहाँ इक्वेशंस में जो है प्रोडक्ट में जो था ऑक्सीजन यहाँ पे 3 था। किस तरह से 3 था, 2 कार्बन वाले के साथ था, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ था, और 1 जो था हमारे पास पहले से यहाँ पे एक ऑक्सीजन दिया हुआ था और वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो 2 + 1 हमारे पास 3 हो गए थे, इसको हम प्लस करेंगे 2 + 1 हमारे। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन हमने बैलेंस किया, ऑक्सीजन की तरफ देखते हैं, हमने जब यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ाया तो हमारे पास जो है ऑटोमेटिकली जो ऑक्सीजन भी बढ़ गया है। ठीक है, ऑक्सीजन ये जो नंबर हम कोफिशिएंट यहाँ ऐड करते हैं, अगर किसी कंपाउंड में इसके साथ इसी एलिमेंट के साथ दूसरा भी अगर एलिमेंट मौजूद है तो ये नंबर उसके साथ भी जाए। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 और 2, तो 2 + 2 हमारे पास 4 जो है यहाँ पर ऑक्सीजन थे हमारे पास, ठीक है, 4 ऑक्सीजन थे। तो यहाँ पर ये इससे पहले जो हमारे पास 3 थे, ठीक है, आप इसको 4 भी कर सकते हैं, ठीक है, जब मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ाया तो मेरे पास यहाँ पे 4
जो है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के हैं। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ रिएक्टेंट में, तो यहाँ पे मेरे पास टू जो है नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के मौजूद है, तो यहाँ पर मुझे बढ़ाने की ज़रूरत है, यानी कि यहाँ पर मैं इतना नंबर यहाँ पे ऐड करूँ कि ये भी इसके इक्वल आ जाए, तो यहाँ पर मैं यहाँ पे टू बढ़ा दूँगी, ठीक है। तो ये टू टू ज़ा फोर, अगर मैंने ये नंबर्स के साथ बढ़ाया तो टू टू ज़ा फोर हमारे पास ऑक्सीजन भी हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके पास जो इक्वेशन बैलेंस हो गई आपके पास, देखिए यहाँ पे वन हमारे पास दोनों साइड पे जो है वो कार्बन है, फोर हमारे पास हाइड्रोजन गिवन दिया हुआ था, और यहाँ पे हमने जो है ऑक्सीजन को भी जो है बैलेंस कर दिया। तो इसी तरह से आपकी इक्वेशन रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट दोनों के जो है रेशियो उनका कंप्लीट होना चाहिए। तो इसी तरह से ये आपके इक्वेशंस बैलेंस हो चुकी है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।